यूट्यूब और फेसबुक पर देश का नंबर वन स्पोर्ट्स चैनल क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स। विराट कोहली आरसीबी छोड़ देते हैं तो सोचिए जरा क्या होगा। जी हाँ, काफी सारी आईपीएल टीम ने विराट कोहली को ऑफर दिया था कि वो आरसीबी छोड़ दे, नीलामी में आए और उन्हें हम खरीद लेंगे, लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया कि वो आरसीबी के लिए वफादार है। आखिरकार विराट कोहली ने क्यों नहीं इतने लंबे समय तक आरसीबी का साथ छोड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। आरसीबी का नाम जब जब लिया जाता है तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। रेड आर्मी और विराट का रिश्ता काफी गहरा है और ये इनफील्ड और आउटफील्ड देखने को मिलता है। तभी तो किताब ना जीतने के बाद भी विराट आरसीबी का हिस्सा है। विराट ने कप्तानी छोड़ी, टीम हारी, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। अब विराट कोहली ने बताया है कि उन्हें कई सारी फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ आरसीबी के लिए ही धड़कता है। विराट कोहली ने आरसीबी के पॉडकास्ट में कहा कि मुझे भी कई बार ऑफर मिला किसी तरह नीलामी में शामिल होने का, मैंने इसके बारे में सोचा भी। आखिर में एक इंसान कुछ साल तक जीता है और फिर आपका निधन हो जाता है और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। अतीत में कई महान खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने ट्रॉफी जीती है और इस तरह की चीजें की है, लेकिन कोई आपको उसके साथ नहीं बुलाता। अगर आप एक अच्छा इंसान हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, और अगर आप एक खराब इंसान हैं तो लोग आपसे दूर रहते हैं। आखिर में जिंदगी ऐसी ही होती है। विराट कोहली साल 2008 से आरसीबी का हिस्सा है। विराट आईपीएल इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगाज से अभी तक एक टीम के साथ खेले हैं। विराट ने पिछले साल आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। विराट ने 2011 से आरसीबी की कप्तानी करना शुरू की थी। 2013 में उन्हें फुल टाइम कप्तान बनाया गया था। विराट ने आरसीबी की कप्तानी करते हुए 140 मैच में 64 मैच जीते जबकि 69 हारे, 3 टाई रहे जबकि 4 का नतीजा नहीं निकला। विराट की कप्तानी में आरसीबी एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। विराट की कप्तानी में आरसीबी की टीम में बड़े बड़े दिग्गज खेले जिससे आगाज तो शानदार होता था लेकिन अंजाम हार के साथ। विराट ने बतौर कप्तान आरसीबी को कई मैच जिताए हैं, बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ट्रॉफी उठाने का सपना अधूरा रह गया। विराट ने कहा कि आरसीबी के साथ मैं अपनी वफादारी का पालन करता हूँ, ये मेरे लिए उस बात से ज्यादा मायने रखती है कि चार लोग ये कहेंगे कि तुमने आखिर किस टीम के साथ आईपीएल का खिताब जीता है। आपको 5 मिनट के लिए अच्छा लग सकता है और 6 मिनट आपको जीवन में कोई अन्य परेशानी हो सकती है। इस फ्रेंचाइजी ने करियर की शुरुआत में जो 3 साल मुझे दिए और मुझसे भरोसा जताया वो मेरे लिए सबसे खास चीज है। कई टीमों के पास मौका था लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। विराट कोहली की कप्तानी में बेंगलोर की टीम ने कई सारे अच्छे पल बिताए जबकि बुरे पल भी देखे। अब 2022 के लिए विराट कोहली कप्तान नहीं है, हालांकि टीम ने विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को रिटेन किया है। विराट कोहली ने अपनी वफादारी निभा दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो काम कप्तान के तौर पर कोहली नहीं कर पाए क्या वो बतौर बल्लेबाज कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।